धन्यवाद मोहनलाल मौर्य जी। और हम आपकी जो चार लोग क्या कहेंगे जो बुकलेट आपने प्रकाशित की है, हम अपने श्रोताओं के साथ आपके वो अनुभव भी साझा करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बानसूर के युवाओं को और बानसूर के लोगों को इस प्रकार एक साहित्य का महत्व आपने समझाया है कि युवा अगर अपनी युवा अवस्था में, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सा युवा सोशल मीडिया और अनावश्यक तरह के जो कार्य हैं उसमें बहुत सारा समय वो अपना व्यतीत कर रहा है और बेकार कर लेता है, लेकिन आपने एक बानसूर के युवाओं को एक सकारात्मक सोच देने का काम किया, उन्हें एक साहित्य से जुड़ने का एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, और आपको बहुत से मंच के माध्यम से भी पुरस्कृत किया गया है। और हाल ही में जो आपकी जो पॉपुलर बुक हुई है चार लोग क्या कहेंगे, तो सर मैं हमारे इस गानवाणी स्टूडियो के इस कार्यक्रम के माध्यम से और श्रोताओं को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके इस बुक के महत्वपूर्ण उन पलों को जिन्होंने आपने अपने शब्दों के माध्यम से उकेरा है और बहुत ही अच्छे टाइटल के साथ में कि चार लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं सार्थकता समझ पा रहा हूं। जैसा कि आपने कहा कि जब भी व्यक्ति कोई नई शुरुआत करता है तो उसको हेजिटेशन होती है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपने उसको एक टाइटल के साथ एक बुक का रूप दिया और लोगों तक इस प्रकार पहुंचाया कि लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं। तो मैं मोहनलाल जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस बुक का जो टाइटल आपने रखा वो किस बात को आपने प्रेरणा के रूप में रखा, किस तरह लोगों को मोटिवेट करने के लिए रखा, और सारगर्भित तरीके से ये जो बुक है वो किस तरीके से लोगों तक आप एक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। मोहनलाल जी देखिए सर, जैसा हम सबको अच्छी तरह से विदित है और आम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और मैं 2015 से व्यंग लेखन कर रहा हूँ, और मेरे व्यंग लेखन देश के जितने भी प्रमुख अखबार हैं उन सभी में प्रकाशित होते रहते हैं। चार लोग क्या कहेंगे, ये मेरा एक व्यंग था और उसकी थीम यही रहते हैं कि अपन जो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कई बार क्या है कि सबसे पहले अपन यही सोचते हैं कि अमुक कार्य कर रहे हैं यार, चार लोग क्या कहेंगे, तो उस थीम को मैंने बनाया। और जो ये मेरी जो कृति है ना, ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुई है। 2019 में उन्होंने पांडुलिपि मांगी थी और हमने पांडुलिपि भेजी है। जो बोधि प्रकाशन जयपुर है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन है, उसके द्वारा ये मुद्रण की गई है। और जैसा कि मैंने उसमें जो भी व्यंग है वो सभी व्यंग हैं जो सामाजिक विसंगतियों पे लिखे हुए हैं, जैसे कि मृत्यु बोझ है, अपने क्या नाम जी के ढोंगी बाबा होते हैं उनके बारे में भी है, झोला साहब डॉक्टर हैं उनके बारे में भी है, शिक्षा के बारे में भी है, जो भी समाज में जो विसंगतियाँ हैं ना उन पे भी है, बूतनी है वगैरह है, जिन पे ही है उन पे है। वो तो आप पढ़ोगे तो आपको खुद को ये एहसास होगा कि समाज में कितनी विसंगतियाँ हैं, उनको हमने जो मेरी और मैं क्या है कि जो अपने अड़ोस पड़ोस में या कहीं पे भी कुछ देखता हूँ तो मैं उसको व्यंग के रूप में एक रूपांतरण कर देता हूँ और उसको किसी ना किसी अखबार में भेज देता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई मेरे व्यंग लेखन से अगर किसी एक व्यक्ति को भी सही दिशा मिलती है तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ सर। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया कि चार लोग क्या कहेंगे, उस बुक के माध्यम से आपने हमारे इर्द गिर्द ऐसी विसंगतियां जो समाज में और लोगों में व्याप्त हैं उनको आपने एक सारगर्भित तरीके से उस अपनी कृति में उन्होंने आपने अंकित किया है और लोगों तक पहुंचाने का आपने काम किया है। बहुत ही श्रेष्ठ और सराहनीय काम है। जिस उम्र में लोग अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वो बिल्कुल अपने आजीविका के साधन सृजित करने में लग जाते हैं, लेकिन आप अपनी उस युवावस्था में आपने 4 से 5 सालों का वो समय इस पूरे के पूरे इस अनुसंधान में दिया है और आपने इतना अपने आप को इस साहित्य में इतना इस तरीके से इस कदर तक आपने रिसर्च तक पहुंचाया और उन शब्दों को आपने अपनी इस बुक में अंकित किया है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आप भी इनका जो ये व्यंग्य के रूप में जो इन्होंने चार लोग क्या कहेंगे जो इनका जो बुक पब्लिश हुआ है उसे आप लोग भी जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको भी ज्ञात हो कि समाज में किस प्रकार की भ्रांतियां आज व्याप्त हैं, उन्हें व्यंग के रूप में इन्होंने अपने शब्दों में प्रोकर और इसको एक बुक का रूप दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी आपका कि आपने हमारे स्टूडियो के माध्यम से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक डिजिटल रूप में साझा की। और जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे,
क्योंकि आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, आप साहित्य से जुड़े हुए हैं और सदा नवाचार सतत तरीके से आप करते रहते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा मोहनलाल जी, आप किस प्रकार युवाओं को एक मार्गदर्शन देना चाहेंगे, उन्हें एक क्या मार्ग प्रशस्त करना चाहेंगे उनका, तो हम आपके श्रीमुख से जानना चाहेंगे मोहनलाल जी। सर जी, आज का जो युवा है वो किस ओर जा रहा है, इससे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं आज के युवाओं से इतना ही कहना चाहूँगा कि वो सबसे पहले तो अपना जो अध्ययन है उस अध्ययन पे ध्यान दें। जहाँ से ज़्यादा क्या है कि सोशल मीडिया का युवा बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है, तो सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करें, मोबाइल का कम उपयोग करें, और जैसा आपकी मुहिम में भी आप बताते हैं कि नशे से दूर रहें, क्यों आज का युवा नशा की ओर भी बढ़ रहा है, वाहन भी इस गति से चलाते हैं मोबाइल यहाँ लगा के, तो वाहन भी चलाएं तो इस तरीके से चलाएं, पूरे उसमें उनके जो संसाधन हैं जैसे हेलमेट लगा चलाएं, अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट लेके चलाएं। तो ये युवाएं जो कर रहे हैं गलती, आप देखते होंगे अखबारों के माध्यम से या वैसे भी देखते होंगे, जो आज ये जो सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा युवा ही उनके हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि युवाओं को एक सोचना। दूसरी बात क्या है कि आज का जो युवा है वो प्रकृति से बहुत दूर है, प्रकृति से जुड़ नहीं रहा है, तो उन युवाओं से भी मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि वो प्रकृति के पास आएं, प्रकृति को देखें, उसे निहारें और उसके बारे में रिसर्च करें, तो उससे क्या है कि प्रकृति से जुड़ाव भी रहेगा और प्रकृति को एक संरक्षण भी मिलेगा। और आज आपने आपके गांव वाणी स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई कहानी के साथ में, और एक नई ऊर्जावान और एक प्रेरणादायक एक ऐसी शख्सियत से आपको फिर अगले इसी प्रकार के एपिसोड में हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे और फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। और हमारे गांववाणी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स देने के लिए आप लाइक करें, और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।